जैसे कि आप लोगों को पता चला है, टूर्नामेंट का जो हाल है, सिचुएशन है, काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे जो लातम सर्वर के टीममेट्स हैं वो। वैसे तो ज़्यादातर बंदों का गेम प्ले इतना खास है, और कुछ बंदों का गेम प्ले तो मत ही सोचो यार, गॉड लेवल चल रहा है। गॉड लेवल तो मतलब समझ ही पा रहे हो। आज उन्हीं गेम प्ले के ऊपर हम लोग एक और वीडियो लाए हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक पार्ट, हर एक सिचुएशन में आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा, ताकि स्पोर्ट्स की दुनिया में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी को पता चले। आज का टूर्नामेंट 12 टीमों के अंदर होने वाला है, जिसमें से सारे के सारे टीममेट्स, प्लेयर और मूवमेंट्स को लेकर जितने बंदे आप लोगों को नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस देंगे। आज का फाइट काफ़ी अमेजिंग है, लास्ट तक देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ज़्यादातर बंदे लोग अभी देखा जाए तो वायरस गेमिंग उतर चुके हैं फैक्ट्री के हॉट्स एरिया में, और ईस्ट्रॉम ईस्पोर्ट्स गेमिंग जो तहलका मचा रहे हैं इस टूर्नामेंट में, वो लोग आ चुके हैं कटिल स्टीवा की तरफ। सिर्फ इनका एक टीममेट्स, वो अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो आप लोगों को ऑब्जर्वेटरी में ऊपर की तरफ लैंड करते हुए दिखाई दे रहा है, जो फाइट करेंगे क्वेरी क्विंटाना ईस्पोर्ट्स टीम के साथ। यहाँ पर दिखाई दे तो जानूस टीम ऑलरेडी फाइट कर रही है हमारे क्विंटाना क्विनिस की तरफ से, जो ऑब्जर्वेटरी पे आप लोगों को इंस्टेंट फाइट देखने को मिला है। यहाँ पर जानूस की टीम लगातार क्विंटाना क्विनिस के ऊपर फाइट कर रही है, और ऊपर से स्ट्रॉम का जो प्लेयर था वो यहाँ पर गलती से फायर कर देता है, जिसका परिणाम उसकी टीम को भुगतना पड़ता है, और एंड वक्त में जानूस की जो टोटल टीम है वो हो जाती है पहले टूर्नामेंट के राउंड 5 के ग्रुप सी वर्सेस ए के बाहर। अब सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गाइस, अपडेट के बाद गेम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐड हुई है, जैसे कि आप लोगों को इस ग्लोबल ग्रेनाइट देखने को मिलेगा, जिसके सहारे आप लोग अपने जो दुश्मन का ग्लोबल हो या खुद का ग्लोबल, किसी का भी ग्लोबल हो, आप उसको मेल्ट मतलब ख़त्म कर सकते हो। इसके अलावा कुछ नए गेम में जो स्कार है उसका भी अपडेट दिया है, साथ ही साथ बहुत चीज़ों का अपडेट दिया है, ठीक है। तो ये जो टूर्नामेंट है ना, अपडेट के बाद परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो गाइस ये जो अपडेट है बहुत ही अच्छा है। और ये लोग, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो ग्लोबल ग्रेनाइट है, एक्चुअली अपडेट आया है तो इन लोगों को ज़्यादा मौका नहीं मिला होगा, फिर भी ये टूर्नामेंट में ये लोग, सच कह रहा हूँ, ये लोग इतनी अच्छी तरह ग्लोबल ग्रेनाइट को इतना अच्छी तरह अमेजिंग की तरह यूज़ करें ना गाइस, मेरा सर चकरा आ रहा है कि हाँ भाई, एक बंदा इतना अच्छा थॉट कैसे लग सकता है। सिर्फ ये थॉट एक बंदे का नहीं है, टोटल जितने भी बंदे फाइट करें ना, सारी टीमों का है। एक तरफ हमारे देखा जाए तो इग्निस की टीम है, वो ऑलरेडी हॉट जोन से लेकर जा रहे हैं हमारे फैक्ट्री की तरफ, ठीक है, हॉट जोन की तरफ ही जा रहे हैं मास इलेक्ट्रिक से। और एक और टीम है इन्फिनिटी टीम, जो ऑलरेडी आ चुके हैं कैराटोन के जो ब्रिज है ना, ब्रिज के बगली एरिया में। ये लोग लगता है नेक्स्ट जो जोन है उसका स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और शिपयार्ड की तरफ आप लोगों को तो पता ही है, लिविएटन की टीम आ चुकी है। हर एक टीम अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, और यहाँ पर न्यू स्टार स्पोर्ट्स टीम ऑलरेडी फाइट करेगी हमारे नीचे की तो इन्फिनिटी टीम है उनके साथ, क्योंकि इन्फिनिटी का जो एरिया है ना, देखो निचली तरफ से जा रहे हैं, इनको पता नहीं है कि न्यू स्टार स्पोर्ट्स टीम ऊपर मील पे मौजूद है। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है फिलहाल के लिए। जोन अभी नेक्स्ट अगले जोन की तरफ जा रहा है, 11 स्पोर्ट्स टीम जिंदा है, मतलब 44 पीपल, और 44 पीपल के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो न्यू स्टार स्पोर्ट्स टीम ने ऑलरेडी स्पॉटेड कर दिया इन्फिनिटी टीम को, यहाँ पर डैमेज देने लगे हैं। तो देख ही पा रहे होगा इसकी, इन लोगों ये जो बंदे हैं ना, नेक्स्ट लेवल की स्ट्रैटेजी देख रहे। एक बंदा तो भाई बगल में कार पार करके बंदों को मार रहा है, ये सही स्ट्रैटेजी होती है, आप लोगों को भी पता है। मैं कहना चाहूंगा इन लोगों की स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो करो, मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ लातम सर्वर टूर्नामेंट इसलिए देखने की, क्योंकि इन लोगों के कमेंट्री मस्त है, ये लोग बुया पे बुया करके चिल्लाते हैं, साथ ही साथ इन लोगों का जो मतलब कम्युनिकेशन आप लोगों को फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे कि ये कुत्ते की तरह क्या भवो कर, दिमाग में नहीं आ रहा है, पर आप लोग नोटिस करते 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 जब आप देखोगे ना, तब आप लोगों को वही मजा आएगा। सुई ना पोको कम्पोको, ऐसे इस टाइप के कुछ बातें निकालते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। एलन भाई हैं हमारे, एलन भाई जो बाहर के सर्वर बहुत ही अच्छे खेलते हैं, एलन क्विंटाना पूरा नाम है उनका, साथ ही साथ बेकर भाई हैं, एवियाना बेकर, ठीक है, एवियाना बेकर और एलन क्विंटाना, ये दो कास्टर हैं जो अमेजिंग कास्टिंग करता है, दिल से कर रहा हूँ, मैं उनका फ़ैन हो चुका हूँ, भले ही मुझे लैंग्वेज समझ में आए या ना, एक घंटा फर्क पड़ता है, पर अमेजिंग है। और यहाँ पर फाइट तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लिविएटन स्पोर्ट्स टीम के साथ फाइट कर रहे हैं यहाँ पर ईस्ट्रॉम स्पोर्ट्स से, और बीच में से आ चुके इग्निस स्पोर्ट्स टीम। ग्लोबल में देखो उन लोगों का नाम शो कर रहा है, ये एक नया अपडेट है फ्री फायर का, बहुत ही अच्छा है। और मैं कहना चाहूँगा ऐसा गेम प्ले और ऐसा अपडेट हमारे भी इंडिया सर्वर में आए। इंडिया का टूर्नामेंट काफ़ी दिन से बंद चल रहा है, ये फ्री फायर का वर्ल्ड सीरीज है, और जो आप लोगों को लातम सर्वर में देखने को मिला। और ये लोग देखो गाइस, ये लोग लगातार अपडेट के बाद ग्लोबल जो ग्रेनाइट है काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा यूज़ कर रहे हैं। देखो गाइस,
यहाँ पर लिवियातन का सिर्फ एक ही बंदा जिंदा है, और ऊपर की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर इग्निस इस्ट्रोम इस पोस्टिंग के बंदे एक एक करके फिनिश हो रहे हैं, और ट्रिपल किल के साथ यहाँ पर जंग का ऐलान कर दिया जा रहा है। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है अपने बंदों को लेकर, रिक्वायरमेंट को लेकर। और यहाँ पर वायरस गेमिंग लगातार क्वेरी क्विंटाना इस पोस्ट टीम को पर लगातार प्रेशर कर रही है। ये लोग भी शिपयार्ड की तरफ फाइट कर रहे हैं, वायरस गेमिंग वर्सेस आर्टिक गेमिंग, सॉरी क्वेरी क्विंटाना इधर नहीं है, आर्टिक गेमिंग है, सॉरी माय मिस्टेक। और यहाँ पर देखा जाए तो रेड हंटर इस पोस्ट टीम में ऑलरेडी फाइट करे, पर गाइस यहाँ पर देखा जाए तो नीचे की तरफ से एनी इस पोस्ट टीम ऑलरेडी मील के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ ऊपर की तरफ हमारे न्यू स्टार इस पोस्ट टीम है, उनके सामने हमारे हैं वायरस इस पोस्ट टीम, और उनके सामने इन्फिनिटी स्पोर्ट्स, तो समझ ही पा रहे हो भसड़ तो मचनी थी। और यहाँ पर देखा जाए तो आर्टिक गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है ऊपर की तरफ से, गाइस नगुरा स्पोर्ट्स टीम ने ऑलरेडी एक बंदे को फिनिश कर डाउन कर दिया, सॉरी फिनिश नहीं किया, आई थिंक इनके पास रफेल नहीं है, देखो नीचे कैरेक्टर में रफेल नहीं है, जिसकी वजह से बंदा डाउन हो गया, नहीं मरेगा। और ऊपर की तरफ से ज़्यादातर बंदे लोग बहुत ही अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। लिविया टीम का सिर्फ एक ही बंदा जिंदा है, तो देखते हैं लिविया टीम का जो अकेला बंदा है वो क्या यहाँ पर अपनी टीममेट्स को बचा पाएगा। मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में वो बचा पाएंगे, क्योंकि सीपीआर में ऑलरेडी मारपीट चल रही है, तो इसका नेक्स्ट लेवल का फाइट तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। लिविया स्पोर्ट टीम पता नहीं कब खत्म हो जाए, यहाँ पर टोटल 9 स्पोर्ट्स टीम है, एक तरफ है आर्टिक स्पोर्ट्स टीम तो एक तरफ है रेड हंटर स्पोर्ट्स टीम। पावर डैम की तरफ ऑलरेडी गॉड प्लान स्पोर्ट्स टीम घुस चुकी है, और रेड हंटर स्पोर्ट्स टीम यहाँ पर आर्टिक गेमिंग के ऊपर फायरिंग देते हुए एमई2वी के ऊपर लगातार गन चेंज कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा लिमोस भाई यहाँ पर अच्छा खासा हेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, बंदा सेटअप कर रहा है, जिसकी वजह से उसको हेड कनेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल फेस करने को मिल रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर बंदे लोग ड्रॉप मंगा रहे हैं बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, नीचे की तरफ जो बंदे थे वो भी बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और ऊपर की तरफ से जो बंदे लोग ग्लोवर लगा रहे हैं ना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। और यहाँ पर स्कार को 3 लेवल कर लिया है जानोस स्पोर्ट्स टीम के जो हमारे जो बंदे थे। अब देखो गाइस नगुआरा स्पोर्ट्स टीम भी बहुत ही अच्छा रोटेशन मारे हैं, उनके पीछे पीछे देखा जाए तो रेड हंटर स्पोर्ट्स टीम के ऊपर प्रेशर नहीं, गाइस इन्फिनिटी स्पोर्ट्स टीम को घेर लिया गया है गाइस नगुआरा स्पोर्ट्स टीम ने। तो गाइस नगुआरा स्पोर्ट्स टीम के यहां पर फेस कर पाएगी हमारे रेड हंटर स्पोर्ट्स टीम, तो देखते गाइस इन्फिनिटी स्पोर्ट्स टीम बीच में घुस चुकी है, तो रेड हंटर स्पोर्ट्स टीम यहां पर शायद अच्छा खासा कवर बना सकता है। और नीचे की तरफ से बंदे लोग बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी फेस कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड की तरफ से ऑलरेडी इन्फिनिटी स्पोर्ट्स टीम घुस चुके जोन के अंदर, पर उनको पता नहीं है कि ईस्ट पोस्ट टीम ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। आप लोगों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप दिखाई दे रहा होगा, देखो इन्फिनिटी स्पोर्ट्स टीम ऑलरेडी जा रहे हैं, और मल्टी विंडो रिवर्स साइड का जो मल्टी विंडो है ना उसके अंदर ऑलरेडी जानोस स्पोर्ट्स टीम मौजूद है। तो मैं कहना चाहूंगा गाइस ये तो सही लफड़े में फंस चुके हैं ये बंदे लोग। और गाइस यहाँ पर ऑलरेडी टीमों के अंदर फाइट चल रही है हमारे आर्टिक गेमिंग वर्सेस रेड हंटर स्पोर्ट्स टीम, तो क्या लगता है गाइस रेड हंटर स्पोर्ट्स टीम आर्टिक गेमिंग के साथ जो फाइट होगी रेड हंटर टीम जीतेगी या आर्टिक? तो गाइस यहां पर आर्टिक गेमिंग को कर दिया गेम से बाहर, रेड हंटर टीम यहां पर जीत चुकी है, और नीचे की तरफ से भसड़ मर चुकी है, और यहां पर लॉन्चर फेंका जा रहा है हमारे स्ट्रोम स्पोर्ट्स टीम के हाथों। तो देखते हैं गाइस लॉन्चर का सही आएगा, जी हां गाइस यहां पर सही रिजल्ट आया, एक रिजल्ट के साथ न्यू हंटर गेमिंग यहां पर लाइट डैमेज देने की कोशिश, और ग्रेनाइट के जरिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। यहां पर क्या लगता है 4 बजे का रिजल्ट आएगा? जी हां गाइस आएगा, पैर में गोली मारते फिनिश करने की कोशिश, न्यू किलर के साथ आ चुके हैं लेमन श्राउड की तरफ से ज्यादा से ज्यादा डैमेज देने की कोशिश। यहां पर ऊपर की तरफ से बाकी बंदे लोग बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इस स्पोर्ट टीम के जितने बंदे थे वो लगातार यहां पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिनिश कर रहे हैं, और यहां पर 8 टोटल इस स्पोर्ट टीम जितना है। तो क्या लगता है गाइस यहां पर इस स्पोर्ट टीम के फायदा कर पाएगी? मुझे नहीं लगता है इस स्पोर्ट टीम यहां पर अच्छा खासा फायदा ले पाएगी, क्योंकि सिचुएशन में काफी हद तक नेगेटिव पड़ा है, ज्यादातर बंदे लोग डाउन हो रहे हैं। आर्टी गेमिंग तो यहां पर फिनिश हो चुकी है, नगोरा भी यहां पर अभी तक जिंदा है, जोन के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर बंदे लोग डाउन हो रहे हैं। तो क्या इस क्या लगता है इस रिजल्ट आएगा? जी हाँ गाइस क्वालिटी किल के साथ 8 नंबर पे इन्फिनिटी टीम स्पोर्ट्स टीम को कर दिया फिनिश। इग्निस स्पोर्ट्स टीम आप इग्निस स्पोर्ट्स टीम फाइट करेगी ईस्ट्रॉम स्पोर्ट्स टीम के साथ। तो क्या लगता है गाइस ईस्ट्रॉम स्पोर्ट्स टीम क्या यहां पर इग्निस स्पोर्ट्स टीम को फिनिश कर देगी? इग्निस स्पोर्ट्स टीम के सिर्फ एक ही बंदा जिंदा है जिसका नाम है कैनो, और यहां पर कैनो को भी फिनिश कर दिया ईस्ट्रॉम टीम के आखिरी बंदे ने गाइस, जिसका नाम है ट्रिपल। ट्रिपल ने इग्निस स्पोर्ट्स टीम को फिनिश कर दिया, अकेले बच्चे हैं हमारे स्पोर्ट्स टीम के इग्निस ट्रिपल भाई। तो देखते हैं गाइस ईस्ट्रॉम स्पोर्ट्स टीम के अकेले बंदे क्या यहां पर अच्छा खासा सर्वाइव कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि बंदा निकल पाएगा जोन के अंदर, क्योंकि वो काफी हद तक जोन के बाहर है, और न्यू स्टार स्पोर्ट्स टीम घुस चुकी है मल्टी विंडो के अंदर। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, पर नहीं गाइस न्यू स्टार स्पोर्ट्स टीम के नीचे जानोस स्पोर्ट्स टीम जिंदा है, और यहां पर ट्रिपल निकल नहीं पाए थे, और एंड वक्त में गाइस यहां पर उनको
कर दिया गेम से बाहर। स्टॉर्म स्पोर्ट्स की 6 नंबर फिल्म फिनिश हो चुकी है। अभी देखा जाए तो न्यू स्टार इस पोस्ट में यहाँ पर घर के अंदर घुसने की कोशिश, बंदे लोग एक एक करके घुस रहे हैं और यहाँ पर लॉन्चर फेंकने की गलती की गई थी। पर लॉन्चर का क्या अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। और ऊपर की तरफ से गाइस देखा जाए तो नगोरा इस पोस्ट के 2 बंदे ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, 2 बंदे बचे हैं और यहाँ पर अकेला बंदा क्या लगता है स्पेशल क्रिएट कर पाएगा? जी हाँ गाइस, यहाँ पर क्रोनो की वजह से रिवाइव कर दिया जा रहा है। ट्रीटमेंट गन मारा गया और सामने की तरफ से ग्लोबल तोड़ने की कोशिश और न्यू स्टार स्पोर्ट्स टीम को 5 नंबर पे फिनिश कर दिया गया है। अभी नगोरा स्पोर्ट्स टीम वर्सेस गॉड्स प्लान स्पोर्ट्स टीम के अंदर फाइट होगी और बगल में एक और स्पोर्ट्स टीम है। और एंड वक्त में गाइस यहाँ पर देखा जाए तो गॉड प्लान स्पोर्ट्स टीम काफी हद तक नगोरा के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। नीचे की तरफ से देखा जाए तो रेड हंटर स्पोर्ट्स टीम पानी के रिवर्स साइड के लेफ्ट साइड में और लिवियाथन स्पोर्ट्स टीम के अंदर फाइट होगी। एक बंदा बचा हुआ लेफ्ट साइड की तरफ से यहाँ पर ढील करने की बैटल चल रही है। तो लगता है गाइस न्यू स्टार स्पोर्ट्स टीम यहाँ पर लगता है जीत सकती है। सिचुएशन तो उनके हिसाब से सही है और अभी ज्यादातर बंदे लोग बहुत ही अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। 4 स्पोर्ट्स टीम जिंदा है पर यहाँ पर फ्रीजर के साथ ही साथ आप लोगों को ग्रेनाइट देखने को मिलेगा, वो भी ग्लोबल ग्रेनाइट। बाकी बंदों का हालचाल काफ़ी हद तक बहुत ही सही परफॉर्मेंस के साथ जा रहा है राइट साइड की तरफ से। और गॉड प्लान स्पोर्ट्स टीम घुस चुकी है। रेड हंटर स्पोर्ट्स टीम ने लिवियाथन को फिनिश कर दिया और एंड वक्त में यहाँ पर सिचुएशन का फायदा लेते हैं। रेड हंटर वर्सेस हमारे कर दिए नगोरा और नगोरा सेकेंड पोजिशन में आते हुए फर्स्ट पोजिशन में आ चुके हैं गॉड प्लान। भूया आई होप आप लोग बहुत कुछ सीखने को आपको मौका मिला। आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस देने की। आई होप आप लोगों ने हर एक पार्ट को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। इस वीडियो में हम लोगों का ज़्यादा नहीं गाइस 20 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज़ लाइक गेम का जो टारगेट है कंप्लीट कर देना। और लॉन्चर सर्वर का किस प्लेयर का गेम प्ले आप लोग को अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो मिलते हैं एक और न्यूली वीडियो में, अपना प्यार देते रहिएगा।